अलगू खातन वजरा वेलकम बैक टू दर एपिसोड ऑफ ट्थ मैं मानस क्रिकनिक का नॉट एन वो एपिसोड लास्ट टाइम जो एपिसोड की थी उसमें पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बात की थी फिर हम उस ब्रेक पर चले गए एज यूजल बट एक टिकेट भी नहीं हुई वर्ल्ड कप हुआ उसके लिए हमने बात की थी बट अभी जो रिसेंट थी जिस पे इट्स नॉट गोइंग नाइस एपिसोड सो एट्स एंड आई थिंक द जनरल मूड एज वेल नॉट जस्ट किम का वो एक जनरल आउट ग्राई होता है बट फंडामेंटल इशूज जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं जो कि इस टीम के साथ है इसका एक रिजल्ट ये है कि हम लोगों ने एक टेस्ट uh, मैच बांग्लादेश से पहली दफ़ा आ रही है एंड एट होम ऑफ पॉल प्लेस बंग्लादेशन एज टू में वो बताइए इनकी न्यूजीलैंड में कभी विक्ट्री थी ट्वेंटी ट्वेंटी टू की जो कि बड़ी अच्छी समझी गई थी मानी गई थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया हुआ है so, अब साउथ अफ्रीका और इंडिया वार्टी बची हैं जिनसे भी देखिए टेस्ट मैच नहीं जीते एंड दे आर प्लेइंग इन दिस सीजन में भी

सो इस्पाइट येस गिविंग क्रेडिट टू बांग्लादेश वे दू उन्होंने वहाँ पर वार की और उन्होंने वहाँ पर स्ट्राइक किया जहाँ पर उनको नजर आई विच इज़ फाइन दैट सॉ प्लेट दे मेड मोस्ट ऑफ इट द जो हमारी स्टबलिटी थी इनकॉम्पिट है और गलतियाँ थीं सो उस दैट साओ वी प्लेइड उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने जीडा इट्सली आरिएट की Uh, and I think it was a turbulent world where they had to come early so they could practice in this world. And then all the board changes, director missing, the uh, CEO jhne, finally be there, the president ne, So it's a very welcome thing uh, for them and uh, for that I congratulate them. But for Pakistan, uh, this is uh, embarrassing. This is shameful. We lost the match in Zimbabwe in the 2022 World Cup. Ne, हमें नदरलैंड ने फेवर कर दिया तो हम फाइनल खेल गए और हम भूल गए कि जो डन टवेंटी वन की पीक थी वो ख़त्म हो चुकी है क्यों खत्म हुई है उस पर भी हमने बड़ी मेहनत की किया uh, मैं तब कहा करता था कि आपने पी एस एल सब लोगों को जो कैप्टनशीप दे दी है तो आपने नाइक आप पाँच छः कप्तान तो में खुद ही खड़े कर दिए हैं इवेंचुअली दे गई फाइट फॉर यू बीग द कैप्टन एंड एज सुन एज दिस मेलमर्ग एंड देट शॉट हैज बीन हैपनी इट डज़ मीन कि आप पी एस एल के स्टार प्लेयर्स को ना बनाए बट एक कैप्टनसी या लीडरशिप का एक सर्कल होता है उसका एक मैकनिज़म होता है उसमें एक पाथ होता है और अगर उस पाथ को आप आ, या तो आप ऐसे उसको साइड ट्रैक करें कि वो बंदा जो डिज़र्व नहीं करता वो कैप्टन बन जाए या सीनियर जूनियर बन जाए तो फिर डिस् या आप बना के उनको हटा दें सो ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर और फिर भी होता है अब हो हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जिम्बाव से आ रहे हम हमें नदरलैंड पहुंचा गया उसके बाद हम लोग जो है अफगानिस्तान से सीरीज़ हारे रहे इडम उनसे वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में हारे और वो सारी जो है वो गेम मैंने एक शराब भी शेयर किया था कि जो मैंने खुद लिखा था कि दैट वॉज नॉट अवर वर्स्ट पॉइंट येस द बट द साइंस दाइज देयर क्योंकि हम एक ही स्पिनर को खिलाई जा रहे थे फॉर दो रीजन एट लीस्ट और हमारी एक ज़िद थी कि हमने उसी को स्पिनर कहना है और ट्वेंटी थ्री को पूरा वर्ल्ड कप ले कर लिया और वह जिद शाम हो बरकरार है इन अ डिफरेंट फॉर्म उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि यू एस एना जो था दैट वॉज डेफिनेटली अ वेरी लो पॉइंट जैस टी ट्वेंटी था आई कैन गिव यू दैट बट अ वेरी वेरी लो पॉइंट इन आवर हिस्ट्री उसके बाद अब तो तो आप लोग टेस्ट क्रिकेट में तो दिस टीम हैज है डाउनफॉल आप इतने ज़्यादा मैच वो ड वर्ल्ड कप में नहीं हारे थे आपने वो रिकॉर्ड बनाया उसके बाद आपने यू एस ए से हारने का और उसमें टी ट्वेंटी हॉमर्स का रिकॉर्ड बनाया और अब यू आर ऑन वर्ल्ड जॉब्स ऑफ लूजिंग अ टेस्ट सीरीज़ जीत जाएंगे सेकंड में कम कर लेंगे थोड़े चांदो बुतरा खेलेंगे इंसानियत दिखाएंगे डैलिंग अपना वापस ले आएंगे सीरियस होंगे तो सेकंड में कर लेंगे और बट अगेन गेम सेव करके हम नहीं हारे बट एक ऐसा मोड़ जो दो से अपने बोल्ट टेस्ट मैच ने जीता और तो क्या होम एडवान्टेज है एक और जो बड़ी मेथ है कि शायद टू से पहले हम लोग को होंगे तो टॉस कॉम टीम थे रिलाइंग मोर ऑन नाइनटीज़ की अगर टीम देने को याद है हमारी अनफॉर्चुनेटली जो करंट मेमोरी है स्पेशली इन टाइम सोशल मीडिया वो शुरू होती है टू थाउजेंड टेन के बाद से सो आइर हमारे पास आम्बिर रास्त की वो वीडियो है जी हम गाने लगा कर खुश होते रहते हैं जब हार आती है तो वो वीडियोज़ निकाल लेते हैं वी लॉस्ट डायमंड डायमंडसूर था बट दूसरा ये कि जो नाइन्टीज़ का एरा था उसमें आप जंबावे से ऑनसे गिजा रहे थे अब न्यूजीलैंड से साउथ अफ्रीका से और ये सारी जो आपकी जो जो उस टाइम कैप्टन थे अगर आप इनके निकाल के देख रहे हैं तो यू बी सरप्राइज्ड लाफ बट दैट्स हाउ इट इज़ तो होम एट हमारा ये था कि हम अनबीटेड थे बिकॉज वी यूज़ टू ड्रॉ और या वी टू तो स्नीक आउट मेन बट इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो हमने साउथ अफ्रीका से जीता था मैच और सीरीज़ उसमें पिंडी का टेस्ट था हसन अली के विकेट्स थी लास्ट डे पे एक्सीडेंट बॉलिंग और उसके बाद से फिर हम लोग ने ट्वेंटी ट्वेंटी टू डिसाइड किया कि ऑस्ट्रेलिया से हमने हारना नहीं है सो हमने एक ऐसी पिच बनाई जिस जिसपे पाकिस्तान के ओपनर्स ने टू फिफ्टी टू किया पहली पार्टनरशिप पे और हम लोगों ने तालियाँ बजाइन बट एवरी वन that was वॉज अ फ्रू कुछ होता था डेस्ट में हमारे सामने एक आ भी गया दूसरे टेस्ट में हमें बाबर चाह गए तीसरे में हम एक्सपोज हो गए वैन वी वड हैव वन सो एक्चुअली होता है इंग्लैंड ने हमारे साथ जो किया वो अलग थी पहला वाइट वॉश आपकी हिस्ट्री का एक और रिकॉर्ड हमारे पास तो रिकॉर्ड तो हम बना रहे हैं पॉजिटिव प्रॉब्लम यही चीज़ है कि तुम्हारे दोस्त में नेगेटिव नहीं लेना चाह रहे थे पॉजिटिव है ये चीज़ बट टोकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच मेरा सारे तहनी बातेंगे मकसद य था कि दिस हैज़ बिन रोलिंग ऑन फॉर अ वाइल और एक दो चीज़ें इसको फ़िक्स नहीं करेंगी और अनफॉर्चुनेटली आपके पिछले दस साल की जो मैनेजमेंट है उसमें सवाए दो लोगों का जिनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस था या तल्लक रहा एक्सपोजर आए बाकी सारी आपकी पोलिटिकल अपॉइंट थी और हैं और उनके आगे जो आपको तो सम्राट नज़र आ रहे हैं वो भी वही हैं आपका कोचिंग स्टाफ मोरोलैस हर सीरीज में वही लोग होते हैं जो स्पोर्टिंग स्टाफ में आ जाते हैं टॉप पे हैं। बंदा रिप्लेस कर लेते हैं बट ये म्यूज़िकल चेयर चल रही है और फॉर नियर फ्यूचर हमारे टाइम पर इंख़ाब आलम होते थे अरुण रशीद होते थे और ये पाँच छः लोग थे जिनकी सारे नाइन्टीज़ में और अर्ली टू थाउजेंड में देखते आए हैं अब एक नई लॉट आ गई है और आप ही नहीं को सर में देखते रहेंगे वो आप तो वो चीज़ अब आ गई है बट खैर कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर मैच पहला क्वेश्चन तो है मेरी नॉन पॉपुलर वन बट मेरा हमेशा सुनवाया वो ये है कि आपकी कैप्टन किस टीम पर जगह नहीं बनती अब माने यादा माने उनको इतना अर्सा हो गया खेलते हुए uh, उनकी एवरीज देखे एज़ अ बैट्समैन उन किस टीम पर जगह नहीं बनती काउंटी बहुत अच्छा खेलते हैं आई थिंक यूड स्टिक दे रहे हैं उनका करियर दे रहा है क्योंकि इंटरनेशनल परफॉर्मिंग वो जितना मर्जी गुस्सा कर लिया कि गलत आउट दे दिया हमें बट वो अग्रेसिव uh, बातों में होना बहुत अच्छी बात है एक्शन पर नज़र नहीं आता इंग्लिश अच्छी बोलना हमारे क्राइटेरिया बन चुका है तो वो भी उनका अच्छा है बैकग्राउंड वगैरह एंड ऑब्वियसली इज वेल कनेक्टेड बुरी लगे बात तो लगे बट दिस इज़ नॉट अ करियर जो कि अदरवाइज़ इट वुड रेफर वेड दूसरा इसमें आपको जिस नेट नज़र आएंगी वो नाइनटीज़ की हैं जब वसीम कार फॉर एक्जाम्पल देवर एड डे पिक और दोनों कैप्टनसी के एक छोटी छोटी टर्म ले चुके थे और एक दूसरे मिला कर चुके थे वो आपको बहुत सी पॉडकास्ट मिलेंगे जिस पर सलीम मलिक आपको कहते हैं नज़र आएंगे कि तेनाई भी कैन कैप्टन की लोगों तेरे से बातें करते हो सो सम आउ द फीलिंग बट डेट्स आओ पीपल फील एज वही है कि शायद इस टाइम दो कैंप बन चुके हैं uh, दो या प्रेप्स तीन बन चुके हैं कि दो को चांस मिला और तीसरे को आपका जिसका चांस था उसको नहीं दिया और ये सारे सर्व करें एक ऐसे कैप्टन के, के अंडर जिसका uh, अपनी ही परफॉर्मेंस दास को जस्टिफाई नहीं करती हम टीम में हूँ uh, बातें करने में वो बहुत अच्छे हैं और बातें करने इसमें यही शुरू हुआ कि हमें रिजल्ट चाहिए था और फिर वो कहते हैं हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाँच दिन का मैच जाएगा सो आई एम नॉट श्योर कि किस किस्म की स्ट्रैटेजी है uh, कि एक तरफ यू वॉन्ट यू आर बेस भी रिलाईव ऑन द फैम तो पाँच दिन का मैच नहीं होगा विट दें टाइम आपकी जो स्ट्रैटी है वो भी समझ से बाहर है उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने पिच इस कदर गलत रीड की कि जो आपका एक स्पिनर था जो अगेन ही इज़ अस्ट स्पिनर एंड हीज़ मिस्टिक इट इज़ अस्ट्री टू एवरी वन की क्यों नहीं खेलता जब so आर एम बात को आपने खिलाया बाई द टाइम जब उसको हम खिलएंगे एंड ही परफॉर्म इमिजिएटली तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि देखा हम सही कहा करते थे लेकिन आपने उसको चांस नहीं भी दिया फ्राम ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से ये कि अब तक बात आ गई है हम अपनी इज्जत पे रही हुए हैं कि हमने पेसिस पेसिस के और अटैक के साथ जा रही हैं जब बांग्लादेश की टीम अपने स्पिनर्स के साथ उतर रही थी उसी पिच के ऊपर और आप टीम थे और आपके जो बॉलिंग कोच हैं उन्होंने सारे उनकेट खेली है उससे अगर उनसे बेहतर पिच को अपो नहीं समझता जो भी सरप्राइज़ हो रहे हैं तो मैं बाकी उनका क्या कहना उसी दिन जिस दिन आप ये मैच हार रहे थे आपके वही स्पिनर पाकिस्तान की तरफ से चार विकेट्स ले रहे थे शाही रहे तो बांग्लादेश की टीम आई उसके पे आप तो ये स्ट्रेटजी समझ से बाहर है कि हम उनको क्यों नहीं खिला रहे uh, क्या स्ट्रेटजी है और हम रिलाई क्यों कर रहे हैं ऑन uh, कि वो उसे माने ही आगा कि वो हमारे स्पिनर भी कहनाए जाएँ पर जिंद हैं उनको स्पिनर बनाने पे ही इज़ अ ऑल राउंडर ही इज़ अ गुड स्पिनर बट ही इज़ नॉट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर ही डज इज़ बेस्ट लेकिन पार्ट टाइम का जो बेस्ट होता है वो किसी स्पिनर का उन्होंने यही किया कि शकीब या बाकी सारे इनके प्लेयर्स थे उन लोगों ने की अच्छी लाइन पर बॉलिंग की तो आखिरी दिन विकेट्स दिखाने गए आपकी उसमें हमारा जो कमान था वो ये था कि हम लोगों ने माइंडलेस अप्रोच रखी आ, वी वर नेस बाबर आउट ऑफ फॉर्म है कई देर से बच गए उसके बावजूद ही लॉस्ट इज़ विकेट इन अ केयरलेस माइंड मैनर उसके बाद सबोशी आए ब्रेन फेड था आउट ऑफ मोवियर कोई ज़रूरत नहीं है आप ड्रॉ पर ही खेल रही हैं आप uh, स्कोर बनाना चाह रहे हैं इट वॉज नॉट क्लियर आप क्यों पिच पे आगे आ रहे हैं टोटल ब्रेन फेड था उनका मोमेंट सलमान अली आगा उस पिनर्स ने आउट किया उसके बाद जो आपके थे रिजवान हमारे जो बैटिंग कर रहे थे टेड इंडस् के साथ उनका आ रही था अबा सिस्टम की तीन या दो ओवर वो पहली बॉल पर रन लेकर नसीम को एक्सपोज कर रहे थे इवेचनल नसीम आउट हो गए और फिर इस बात ने जो है वो स्ट्राइक ज़्यादा लेनी शुरू कर दी तो हम अगेन ज़्यादा जो है वो रिलाई कर रहे थे कि हमारे जो बॉलर्स हैं शायद वो मैच पहुँचाने में कामयाब होंगे हम टारगेट सेट करना चाह रहे थे क्या करना चाह रहे थे कोई तो नहीं थी और इस सब में ये सारे सीनियर प्लेयर हैं सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो आई वो दो ये कहाँ पर इनको कोई बता सकता है या कोच वगैरह क्या कह रहे थे आने से पहले कि आपने जाके करना क्या क्योंकि साउथ श्री का आगे बढ़ना समझ क्य नहीं आता आफ्टर दैट ही हैज़ परफॉर्म सो गई और आप खुद नज़र आ रहा है कि अपने अपने मैच पे जाने आपके चार पाँच आउट हो चुके हैं हम पहले दिन ही एक्सपोज हो गए थे मेरे तीन आउट किए थे उसमें एक और रीज़न ये है कि हमने हमारे सिलेक्शन का एक और क्राइटेरिया ये है कि जो जिस फॉर्म पर फिट नहीं आता हमने उसको उसमें फिट करना होता है तो शाम से पूछेंगे वो टी भी खेलना चाहेंगे उनसे पूछेंगे वो वनडे भी खेलना चाहते हैं वो टेस्ट भी खेलना चाहते हैं टेस्ट वो खेलते हैं वनडे और टी की तरह टी ट्वेंटी का जो वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने खेला था वनडे की तरह सो नॉट शो सेम गोस्ट और साइबर योग उनको हमने रिडिकुल किया है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं हैं लिमिटेड ओवर्स में डिस्पाइट के पिछले दो साल हमने यानी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के स्टार्ट से अभी तक जितने टी ट्वेंटी उसमें द सेन प्लेयर जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं आफ्टर बाबर सो ही वॉज गेन एन पर चांसिसम नाट से इंडिया अपिकार्ड कर दें बट उनको टेस्ट में ड्राफ्ट करने की मुझे वजह समझ नहीं आई क्योंकि वो अपनी न्यू नोल लुक शॉर्ट्स और एग्रेसिवनेस की वजह से मशहूर हैं सो so, अगर आपने इमाम और अब की सेट जोगी को हटाना था तो कोई रीज़नेबल वो बनता था क्योंकि इसी चीज़ पर तो इनाम ने भी पिंगी देंगे बॉस्पोर्ट मारा हुआ है सो आई डोंट नो मील किस तरह फिट होते हैं हमारी बस वो जो इंग्लैंड की बेस्ट बॉल बॉउंड एक सस्ती कॉपी बना रही है जिसमें हम इस तरह की कर रही हैं हम पहले अपनी सिलेक्शन भी जो है वो अनाउंस कर रहे हैं और हम बिच तो क्या माशा ट्रीट कर रहे हैं फिर हम पेस अटैक्स में जा रहे थे शाइन एज बिन ऑफ कलर फॉर ऑल टाइम उनकी भी शायद नजर या फोकस कुछ और एक्टिविटीज़ पे है Uh, नसीम शनि तो पे जो जान मार रहे हैं वो इजली के बाद आप वापस आए और उनको आपने रबिर पिंडी पर बेचुन बनाना शुरू कर दिया दिए इवन वो भी बोल पड़े कि किस किस्म की के थी बाकी जो आपके दो थे मोहम्मद अली खन थे स्टार्टिंग तो आप पहले आई नो स्ट्रेटजी क्या थी कि आपने लोगों को इतनी बॉल्स करानी है आई कि बोल्ड ओवर सेवन हंड्रेड बॉल्स पेस बॉलर्स टू कर रेकॉर्ड है एक नाम यू ए पे भी नहीं किया सो आई ऑनेस्टली डो नो कि किस किस्म की स्ट्रेटजी है जिसमें आप पहले टीम में आउट कर देते हैं आप कहते हैं ऐसी तैसी हमें सब पता है इंग्लैंड बनने की आप कोशिश कर रहे हैं विच पी डी आर नॉट क्योंकि सबसे पहली बात है कि उसकी जो अप्रोच है उनके जो मौजूद है इस पूरी अप्रोच के वो दो जो स्टोक्स और उनके कोच वो दोनों दो वेल सेटल्ड हैं इन दिस एंड दे नोन फॉर दिस हमारा ऐसा सीन नहीं, नहीं है आई डोंट सी दीडरशिप एज पर इन द रिस्पेक्ट ऑफ टीम और अपनी पॉलिटिक्स आ गई है बीच में वही कद का बाबर आजम से अनफॉर्चुनेटली जो है वो बहुत नीदें इस्पॉन््प को उड़ती हैं लेकिन वो अपने उस हैब जिसमें भी एक को प्रेशर है उसमें दस्ते जा रहे हैं आ, उन्होंने एक बबल में रज़वान और बाबर या बहुत अरसा को खनचैद चलाए हैं लेकिन ना विंगर्स बिन प्रेशर में है या वो अपना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि कपड़े ची चली गई है वो जो है। But, है, भी उसका रीज़न है बट उनके डाउनफॉल वैसे आपको नज़र आ रहा है क्योंकि इनका डाउनफॉल भी

किसी के कपड़े के हाथ अपने कम उसको और मैं किसी को किसी बॉर्डर के जाने कहाँगे अपना बोझ आप निकाल रहे हैं गुस्सा निकाल रहे हैं कुछ हद तक सही है आ, कुछ हद तक हमारी कौमी जो है वलिनिया बन चुका है बट ही हैज़ टू आंसर और ऑफ दिस अदरवाइज ये चीज़ें जो है वो मुनाश नहीं है क्योंकि दैंक ही वॉन्ट भी कंसीडर एज अल टाइम गेट यही आन रहा तो प्रॉबली वो पाकिस्तान की टेस्ट एलेवन में भी शायद कभी कन्सीडर ना हो वर्ल्ड थैंक के वट एस सी इज़ मेकिंग अ गुड केस बट मांटे इज़ ऑलरेडी डन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट आप या टी ट्वेंटी खेल रहे हैं आप टेस्ट खेल रही हैं दोनों में स्ट्रगल कर रही हैं ये हमारे है अभी सात आठ जो मैच खेलने हैं उनका पहला मैच था और हम वही आ गए हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैक में चुप भूल है ये टीम वैसे कोई डिजर्व नहीं करती फाइनल खेलना और टेन हलाट पॉसिबल वो फाइनल खेलेंगे बट अभी आप इंग्लैंड ने आना है वेस्ट इंडीज़ वगैरह आगे आने हैं साउथ अफ्रीका हमने जाने हैं सो दिस इज़ अ बिजीस्ट दिस इज़ अ व वेरी बिजी सीजन आई थिंक बिजिएस्ट इन्स नाइन्टीज़ एंड एनाइल लोड कैसे फेयर करेंगे क्योंकि चीज़ें नज़र नहीं आ रही कोई चीज़ इम्प्रूव होती नज़र नहीं आ रही हम बज हैं कि हम जो समझते हैं हमें जो लगता है वही ठीक है जब हम डिवेक्टरी उस चीज़ को चेंज करते हैं तो हम वो एहसान करते हैं कि अच्छा दीदी आपके कहने थे हमने किया और फिर जैसे ही अगर वो चीज़ ना हो सिलेक्शन में कुछ ना हो प्लेयर ना चले इमिजिएटली आ जाते हैं लोग देखा जी मैंने ये कहा था लोगों का बस चले तो वो आई डोंट नो यूसपको या यूनिस्को रि टाइमेंट से वापस ये आएँ Uh, हम भी है वो आमिर आसिफ की जो है ब्यासबाए नहीं आ रही कुछ नहीं चल रहा इस टाइम आपका बट येस वॉट यू नीड इज़ कि आपको एक तो बेहतर लीडरशिप चाहिए आपको बेहतर स्ट्रेटी चाहिए अपने अच्छे कोचेज़ रखे एंड आई होप इट वर्कस आउट दोनों कोचिज़ काफ़ी जो, है, वो है, uh, जो हैं वो कीपबल हैं बट जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं टॉप पे बाकी सारे हैं दो uh, कितना हम परफेक्ट करेंगे कितना नहीं करेंगे टाइम विल है ये लोग भी चले जाएंगे और जब तक हम ये कंट्रोल नहीं रहेंगे क्रिकेटिंग मैटर्स का अपनी डायरेक्शन चेक नहीं करेंगे इफ़ वी आर नॉट क्लियर वॉट वी वॉन्ट टू डू सो अगला इट हुआ ऐसे ही नजर आ रहा है और इमीडिएटली अगर आप किसी भी लिमिटेड ओवर की बात करें या टी टी टॉरी बोल की बात करें टी ट्वेंटी की बात करें टेस्ट की बात करें तो मुझे स्ट्रगल नजर आ रहा है दिट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि ये सारी एक होपलेसनेस क्रिएट हुई हुई है बट इट नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम मेरिट एंड बाई देट आई मीन कि पीपल शुड बी अन अकाउंटेबल आपका प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं दे फेस डिफरेंट मोस्ट फिजिकल चैलेंजेस विच इज़ पार्ट ऑफ द गेम इट्स ओके टू टेक ब्रेक इट्स ओके टू एक्सपेनिंग एंड एंडस आई एग्री विच आन ऑन डेट कि आपको जो है वो स्टिक करना चाहिए अपने प्लेयर्स के साथ चांस देना चाहिए बट कोई लॉजिक उसके पीछे होनी चाहिए कोई फोच उसके पीछे होनी चाहिए सिर्फ बातों से आप बस बॉल नहीं खेलना शुरू कर देंगे सिर्फ बातों से आप अग्रेसिव टीम नहीं बन जाएंगे हम टी ट्वेंटी ने अगर ऐसी टीम अभी तक नहीं बन सके तो हम टेस्ट क्रिकेट में टी ट्वेंटी कैसे बनेंगे दैट वॉज एवरी डे जो हमने फोर फोर्टी एट सिक्स पे डिक्लेयर किया था बांग्लादेश ने हमें बताया कि आप आराम से बैटिंग करके आप हमारे बॉलर्स को उन्होंने आखिरी कतवा थी उन्हें जोड़ ली एंड देन देव ऑल आउट अपना थर्ड हाइट स्कोर किया टेस्ट क्रिकेट में एंड देन इवन दैन दे गॉट अ रिजल्ट तो हमें मुझे समझ नहीं आया कि फ़ोर फिफ्टी तो कौन सा हमने बेंच टोक्स की लीडरशिप थी जिसके अंदर हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं रिजमान अपनी डबल सेंचुरी कर सकते थे उस टाइम पे शाहीन आ गए थे जो आपके जाने जाते थे कि हिडर के दौर पे तो आप आराम से सौ डेढ़ सौ सौड़, डाक और भी स्क्वीज कर सकते थे ना करते आप 450 पे तो आप वैसे ही फोर फिफ्टी पर तो डिक्लेर करने के चक्कर में थे आप फोर सेवनटी फाइव पे और आउटोजाथिक्स तो बट तो एटलीस्ट आपको एक टैंक तो नज़र आता बट सिर्फ थ्रेटिकल बात है जी कि हमने उस दिन डिक्लेयर कर दिया तो हमने ये कर दिया या हम वीवर का टीम जो कि जी रिजल्ट के लिए खेल रही थी तो रिजल्ट हमने दे दिया वो रिज़ल्ट उनके हाथ में था वो एक अलग बात है बट उन लोगों ने स्मार्टली खेला वो शुक्र वो शिक्रमान रही अपना टाइम लिया उन्होंने वन नाइन्टी वन स्कोर किया उनके आउट होने के बाद भी वो तो कोई जल्दी में नहीं थे उन्होंने जितना स्कोर निकाल से जितने आखिरी दस उन्नीस निकालते रहे हम लोगों को जल्दी पड़ी नहीं थी कि अब उनको कर लेंगे ऑल आउट करके सौ पे आउट करेंगे फिर उनको दोबारा डेढ़ सौ पे आउट करेंगे और हम इन्हीं से जीत जाएंगे आप भी अगर उनको प्रॉपर इतना प्रेशर डालते हैं कि वो भी थोड़ा प्रेशर में खेलते तो मे भी तो ये सारी चीज़ें जो है ये हाँ, कैसे आँगी कौन बताएगा आई होप दे गो बैक टू ड्राॅंग बोर्ड और इसको ये करने जाए कि हर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है और वो जो 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 पे नेगेट ने वाली बात नहीं है नेगेटिव टॉक्सिक वाली बात नहीं है बट डीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू एड्रेस बट अदरवाइज़ आपके हर आप फॉर्मेट में आपके रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ रहे हैं आप न्यूजीलैंड की सीटी से अगर घर पर हार रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए रिफ्लैक्ट करना चाहिए और एक्सपेरिमेंट टी ट्वेंटी में करना तो ज़्यादा आसान हो हो होता है क्योंकि आपके ज़्यादा होती है होती है अब टेस्ट मुश्किल होता है बट इसके बावजूद हम लोगों ने अगर कामराल वुल को चांस नहीं लेना आपको तो टीम का हिस्सा बनाने की वजह समझ नहीं आती वो हर सीरीज में टीम का हिस्सा होता है फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है तीन चार साल से वो जो है वो स्कोर कर रहे हैं जब आएंगे या टीम उनको ट्वेंट प्रेशर पर डालेंगे तो देन यू विल एक्सपेक्ट वो पहले इनिंग में ट्रिपल सेंचुरी कर दे अदरवाइज़ हमने सही कहा था जिस तरह नेताबिश खान को चांस दिया वन ऑफ टेस्ट दिया छः सौ विकेट्स लेने के बाद पैशन बुल्ड सो दैट इज़ नॉट हाउ यू गो अबाउट इट ग्रुप परती टीम में है नज़र आ रही है माने ना माने एंड अनलेस एंड अन दे राइज अबाउट अब उनको समझ न आए तो ये हम लोग नाइन्टीज़ का स्पॉट बनते जा रहे हैं विच इज़ वेरी फॉर्चुनेट क्योंकि हमने वो देखा था कि उस टीम में क्या पोटेंशियल था और वो लोग ऑन ऑफ विक्ट्रिया निक, निकाल लेते थे, थे हाथ लेकिन द नाइनटीज़ टीम फेल टू डिलीवर अंगल मेजर ट्राफी नाइन्टी नाइन में टीम थीम फाइनल में क्या हुआ टू थाउजेंड थ्री में तो खेल डेड एंड आप टू थाउजेंड सैवन उससे भी बुरे हमला के बट नाइनटी सिक्स में हम लोग जो है वो नाइन्टी सिक्स में आप बैड लग कह रहे हो भी कह रहे हो बट नाइनटीज़ की टीम देख उस तरह आप इंटरनेशनल ट्राफ़ी आपको डिलीवर नहीं थी जो उस टीम का पोटेंशियल था तो इस टीम के मतलब हमने यही कहा था कि एक पुराने शो वर्ल्ड कप के दिस टीम है पोटेंशन टू यू नो ब्रिंग ट्रॉफीज होम बट अब लंद नहीं रहा और डॉक्सिटी पॉलिटिक्स लीडरशिप Uh, so I hope as a case now. I hope I'm wrong and I wish them all the best, but they really need to think about it. Until next time for of the office. <music>